नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीति योग न्यूज। देखिए, मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित लोजपा के कार्यालय में, और यहां लोजपा रामविलास के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, वह अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के प्रखंड अध्यक्षों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक करने के बाद क्या निर्णय लेते हैं और उसके बाद वे मीडिया को संबोधित करेंगे वह जानने का हम प्रयास करते हैं, और उनसे कई सवाल भी हम करेंगे। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी यहां मौजूद अपने पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं और तमाम औरंगाबाद वासियों का अभिनंदन करते हैं। देखिए, आज के कार्यक्रम का मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, तो हमारे पार्टी में अभी अपनी आगामी चुनाव को लेकर के पार्टी की मजबूती पर पूरे ज़िले में बहुत ही आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसको लेकर के हमारे मेन विंग के तमाम प्रखंड अध्यक्ष और सभी विंग के जिला अध्यक्ष हम लोग मिलकर के पार्टी के आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे जो नेता का निर्देश है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो निर्देश है, उन्होंने जो निर्देश दिया है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश का पालन करते हुए हम लोग अपनी पार्टी का जो हमारा स्वरूप है, अभी तक जो हमने पार्टी को तैयार किया है बूथ लेवल तक, उसके भौतिक सत्यापन को लेकर के प्रखंड वाइज हम लोग समीक्षा करने वाले हैं, उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। अब हम लोग आगे आगामी इस बैठक के बाद प्रखंड वाइज घूम करके बूथ स्तर तक की भौतिक सत्यापन करेंगे और अपने पार्टी को की मजबूती पर पूरा फोकस करने वाले हैं। विधानसभा का रूपरेखा क्या होगा? विधानसभा का रूपरेखा जो हमारी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा जैसा हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा, हम लोग आने वाले चुनाव में उसी हिसाब से अपना कार्य करेंगे। जिस भी प्रत्याशी का वो निर्णय करेंगे, जो उनके द्वारा हम लोग को आदेश प्राप्त होगा, टोटल तमाम हम लोग पदाधिकारी मिल करके उनके आदेश निर्देशानुसार उसको भारी मतों से जीत दिला करके भेजने का। देखिए, अभी के डेट में हमारे नेता की जो मजबूती वो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे नेता सिर्फ अब विधानसभा के नेता नहीं रहे, हमारे नेता अब पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए चहेते हैं, भारतवर्ष के युवाओं के लिए चहेते हैं, भारतवर्ष के युवाओं के लिए आदर्श बन चुके हैं वो। जिस तरह से इस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया, जिस तरह से लोगों ने उनको अपने एक्सेप्ट किया, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि था हमारे आदरणीय नेता के लिए। और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम समझते हैं कि हमारे लिए विधानसभा महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। जहां से भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमें जो सीटें मिलेंगी उसको 100% के साथ जीत करके हम लोग वहां भेजने का काम करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते ही पार्टी के ही लोग एक दूसरे से नाराज जाते हैं, उस अवस्था में लोगों को कैसे मना करके आगे चलेंगे? देखिए, हमारे पार्टी में हमारे नेता जो है उनका सूझबूझ बड़ा ही, मतलब एक उम्दा किस्म का है वो। वो लोगों को देख करके पहचान लेते हैं। अब हमारे पार्टी में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा तो आप पार्टी में रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में नहीं रहेंगे। आगामी जो अभी आप पिछला जो हम लोगों का कार्यक्रम पटना में हुआ था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी में आने जाने वालों पर हमारी नज़र है, और पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। उन्होंने स्पष्ट अपना निर्देश दे दिया है, इसलिए आने जाने वाले लोग स्वयं सावधान हो चुके हैं कि हमको क्या करना है। हमारे पार्टी में अब इसकी कोई जगह नहीं है, कार्यकर्ता ही सिर्फ पार्टी में आगे बढ़ेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान की जो चर्चा है पारस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम लोगों को अगर साथ में नहीं लेते तो हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इससे नुकसान होगा या फायदा? देखिए, ये उनके पर्सनल इश्यूज है, लेकिन नुकसान और फ़ायदा अभी जो चुनाव बीते हुए बहुत ही दिन नहीं हुए, 1-2 महीने हुए हैं, उसमें आप लोगों ने देख लिया है कि जनता ने किसको सराहा किसको नकारा। उस वक्त भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन चिराग पासवान जी ने जिस तरह से पूरे बिहार का दौरा करके लोगों के सुख दुख में, हर एक सुख दुख में शामिल हुए, हर एक सुख दुख को समझा, बिहार में जो नीचे लेवल में नीचे तबके के लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं उसको लेकर के चिंतित रहे हैं,
उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, बिहार को हम आगे विकसित राज्य कैसे बनाएं, ये मुद्दा है। अब लोगों के नज़र में ये कहीं मुद्दा नहीं है कि उनके चाचा कहाँ गए और चिराग पासवान जी कहाँ हैं। चिराग पासवान जी युवाओं के लीडर हैं, बुद्धिजीवियों के लीडर हैं और पूरे बिहार प्रदेश के लोगों के लीडर हैं। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बिहार के लोगों ने उनको सर आंखों पर बिठाया। चाचा भतीजा के विधानसभा चुनाव में आमने सामने आने पर आपको कितना नुकसान होगा? हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं, अभी भी तो सब सामने ही चल रहा था। जिस तरह से हमारे नेता एक जीरो से फिर से शुरुआत करके और बिहार में एक अपना स्थान बनाए, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कोई असर उन पर डालने वाला नहीं है। चूँकि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के वो सुपुत्र हैं और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से नीचे के लोगों तक अपनी सुविधाओं का लाभ उन्होंने पहुंचाया है, तो ये देख करके पूरी जनता बिहार के नीचे तबके से लेकर के हर वर्ग की जनता उनके साथ है और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, इसलिए हम इसमें कहीं कोई अंतर नहीं समझते हैं कि कहीं कोई असर पड़ने वाला है। कहीं प्रखंड तक उनका नाम नहीं जानता है। और हमारे पार्टियों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं किस तरह का उत्साह है। यहाँ तमाम जिले में आप घूम जाइए, कहीं कोई उनका संगठन नहीं, कहीं कोई लोग नहीं। तो सिर्फ प्रेस में बयान दे करके आप राजनीति आज के डेट में नहीं कर सकते। जनता जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता काम करने वालों को पसंद करती है, जनता अपने राज्य के विकास करने वाले लोगों को पसंद करती है, बिहार में स्वास्थ्य कैसे सुधरे उसको पसंद करती है, कौन हमारे बिहार राज्य को आगे लेकर के जाएगा उसको पसंद करती है, बहुत सारी सुविधाएँ, पलायन कौन रोकेगा उसको जनता पसंद करती है। और ये सारे गुण से हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी लैस हैं, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि किस तरह से अपार जनसमर्थन के साथ इनके आने का लाभ हमारी जो पार्टी है एनडीए गठबंधन, उनको भी इनका पूर्णतः लाभ मिलने वाला है। एक सवाल है, लोकसभा में लगातार जो है वह जाति मुद्दा बना हुआ है, इसे लेकर आप कल का एक इंटरव्यू आ रहा था हमारे आदरणीय नेता का, हमने बहुत गौर से सुना है और हम सभी लोग उनसे सीखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जाति आधारित जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा पे जोर देना होगा, इसीलिए आप उनका हर इंटरव्यू करेंगे तो सबसे पहले वो शिक्षा पे जोर देते हैं। जब शिक्षा सारे लोगों में आ जाएगा तो ये जाति वाला जो सिस्टम है ये स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा और लोग विकास की ओर आगे ध्यान देंगे। जो विकास करेगा उसी को लोग नेता मानेंगे, ये जाति आधारित सारा चीज़ हमारे नेता खत्म कर देंगे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को किस रूप में? मेरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन बिहार के लिए है। कैसे आप बिहार को सुधारेंगे? मेरा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें बिहारियों के लिए सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट दर्ज की हुई हैं। उसमें स्वास्थ्य के बारे में भी उसमें दर्ज है, पूरी तरीके से वर्णन करके लिखा हुआ है। शिक्षा के बारे में भी हम क्या करेंगे उसके बारे में अच्छे तरीके से वर्णन किया हुआ है। पलायन हमारा कैसे रुकेगा बिहार से उसके बारे में भी लिखा हुआ है। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा उस पर भी विस्तृत चर्चा करके उस पर लिखा हुआ है। सारी चीज़ें जो एक मूलभूत सुविधा एक आम नागरिक को चाहिए वो सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के डॉक्यूमेंट विजन में है। और आप देखिएगा जिस दिन हमारे नेता आएंगे और ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को लागू करके और एक अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जो मूलभूत सुविधा पहुंचना चाहिए उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ऑब्वियसली आप हमारे नेता का बयान सुनिए, नेता की बातों को सुनिए। नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ क्यों हैं और आगे भी क्यों पूरी मजबूती से बने रहेंगे। आए दिन तो आप लोग उनसे बयान लेते रहते हैं तो फिर ये सवाल बनता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के का जो विजन है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे और जो उनके साथ रहेगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ वो उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, देखिए समय समय की बातें होती हैं ये। जब उनको लगा था कि हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन पे कहीं ना कहीं असर आएगा, उनको लगा था कि बिहार के युवाओं के साथ छल हो रहा है, तब उन्होंने ऐसी बातें कही थी। लेकिन जब बैठ करके आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बैठ करके सारी बातों पर चर्चा हो गई और जब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद आपने देखा कि बिहार को किस तरह तरीके से इस बजट सत्र में
सौगात दिया गया, तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, हमारे हम के नेता जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और नरेंद्र मोदी जी मिल करके किस तरह से बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें अब कहीं कोई सवाल बनता नहीं। जी सबसे पहले तो मैं एक बार अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबसे पहले प्रणाम धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारे 100% जितना भी सीट, 5 सीटें मिले, पांचों के पांचों सीटें हम लोग जीत करके लाए हैं। और विधानसभा के लिए महिलाएं बूथ स्तर तक महिलाएं, सभी महिलाएं उतर गई हैं। और अभी का डेट में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अभी चुनाव जीते हैं हम लोग, जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसके बाद तो हमारे महिलाएं को कहने का ज़रूरत नहीं है कि हमारी पार्टी से ज्वाइन कीजिए। एक एक महिला खुद से, एक एक कार्यकर्ता जुड़ने का काम कर रही हैं, अपने आप से जुड़ने का काम कर रही हैं। लोगों को चाहत बन गया है कि हम लोजपा ही ज्वाइन करेंगे। जो लोग दूसरे पार्टी में थे या RJD के लोगों को भी, दो चार लोग महिला जो है RJD का, उन लोग को भी तोड़कर हम अपने पार्टी में लाने का काम किए हैं, लाए हैं अपने पार्टी में, ज्वाइनिंग की है। और आगे प्रयास करेंगे कि बूथ स्तर तक हमारी महिला मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं मीडिया लोग को माध्यम से कि हमारे जो लोग अभी कह रहे थे अदर पार्टी, मान लीजिए कि जो RJD वाले लोग थे या कुछ लोग बाहर का जो लोग थे, ये लोग कहने के लिए तैयार था कि चिराग पासवान जी अपना सीट तो बचा लें, उन लोगों को मुंह पर तमाचा लगा है। और इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस समय तक हम चुप थी जब तक लोग कहता था कि अपने सीट को बचा ले, लेकिन हम एक दावे के साथ कह रहे हैं कि 100% हमारी पांचों के पांचों सीट जीत कर आए हैं हम लोग। और विधानसभा में प्रयास मेरा रहेगा, या मतलब 100% जितना हम लोग को विधानसभा का सीट मिलेगा उतना सभी सीट हम लोग 100% जिताने का प्रयास करेंगे। और जब क्या बोलते हैं, हमारे जब से जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह आए हुए हैं और सोनू सिंह, इनके आने से ज़िला में मजबूती है, बहुत ज़्यादा अच्छा से ज़िला चल रहा है मजबूती के साथ। और हम प्रयास करेंगे इनके सहारे कि हर प्रखंड, हर पंचायत, हर बूथ तक हम अपने कमेटी को तैयार करें। धन्यवाद इसके लिए। हम आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी के मेन विंग के सभी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के द्वारा हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और विधानसभा में मजबूती से हमारे आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सपना को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान दे करके, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोग 5 के 5 सीटों को जीत करके यह साबित किया है कि हम लोग का टीम कितना मजबूत है और हम लोग धरातल पर किसी भी चीज़ को बखूबी किस तरह से उतारते हैं। हम लोग पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए आज हम लोग उस पर विशेष रूप से बैठक कर रहे हैं। और हम रफीगंज से, रफीगंज के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान नाम हुआ, आप लोग भी मेरे तरफ से प्रणाम, इतने जितने भी लोग रहे सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। रही बात कि रफीगंज में हमारे दो दो बार चुनाव लड़े हैं लोग, मेरे हमारे सिंबल से लोग, जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिंबल से। और अभी जो हमारा क्षेत्र में जो चुनाव का, विधानसभा का प्रक्रिया बना हुआ है, उसमें हम लोग सभी पार्टी से हम लोग आगे हैं। अभी भी अगर चुनाव हो तो रफीगंज हम लोग चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अब देखिए रफीगंज से प्रत्याशी कौन होगा, वो प्रत्याशी देना मेरा काम नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो जिनको भी चुनकर भेज देंगे उनको हम लोग मजबूती से जिताने का प्रयास करेंगे। अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह को, जिन्होंने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने सभी बातें स्पष्ट कर दी कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट को लेकर, विजन को लेकर के हम लोग इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और लोजपा पूरी मजबूती से औरंगाबाद ज़िले के 6 विधानसभा में मजबूत है। और जहां भी सीट लोजपा को मिलती है या अन्य पार्टियों को मिलता है जो NDA में शामिल रहेंगे, वहां हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे और विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।